चुके हुए हैं एंड द मेंबर्स हु आर इन हु अटेंडेड अ बेसिक गार्डनिंग कोर्स आल्सो विल रिकॉग्नाइज हिम इमीडिएटली. आज शी इज गोइंग टू टेक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आई नो वी फाइंड दैट आप लोग ग्रुप में काफी वो करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट द इंसेक्ट्स पेस्ट और इनको कैसे ट्रीट किया जाए. सो ही विल बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स दैट दैट अफेक्ट आवर इन्फेक्ट आवर प्लांट्स. उसके बाद ही विल बी गिविंग यू द रेमेडीज वन बाय वन. एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस मे आई रिक्वेस्ट यू टू पुट देम ऑन चैट एंड वी कैन टेक देम एज वी डू आफ्टर द सेशन इज ओवर. राइट सर, आप फ्लोर इज योर्स एंड द रेमेडीज आर मोस्टली ऑर्गेनिक सो डोंट गेट नर्वस अबाउट इट. स्टार्ट करें? हाँ सर, शुरू करिए प्लीज. जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं. और जैसा कि दीपा मैम ने कहा, नोएडा के जो फ्लोरिकल्चर सोसाइटी है इसमें मैं आया भी हूँ और हमने पिछली बार भी काफ़ी आप लोगों से इंटरेक्ट किया था. अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोरोना की वजह से हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाई है. इस साल बहुत अच्छे समय में यू आर कनेक्टिंग विथ मी. और ये जो आज टाइम है अप्रैल का महीना, इनिशियली ये मंथ जो है जितने भी गार्डनर्स हैं, बेसिकली जो किचन गार्डनर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है. इसका रीज़न ये है कि रबी खरीफ दो जो क्रॉप सिस्टम हमारे इंडिया में प्रिवेल है, उसके अलावा एक तीसरा जो क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉपिंग सीजन है वो जायद का है. जायद का जो सीजन अभी चल रहा है जो कि फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये एंड हो जाता है. तो ये करीब 4 महीने और 4.5 महीने का एक छोटा सा पीरियड है जिसमें हम लोग जो किचन गार्डनर्स हैं, ये टेरेस गार्डनर्स हैं, बालकनी गार्डनर्स हैं, साथ साथ में इंडिया के जो बड़े किसान हैं वो भी जायद की क्रॉप को अब प्रिफर करने लगे हैं. उसका रीज़न क्या है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन. अगर हम रबी की बात करते हैं तो रबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अचानक से फ्रॉस्ट हो जाता है, चिल विंड होती है, ठंडा ज़्यादा पड़ जाता है तो आपके क्रॉप डैमेज हो जाता है. और जब हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ भी हार्श होता है, उसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, 50 डिग्री टच होने लग गया है दिल्ली के NCR इलाके में. और इसके साथ साथ में कभी कभी तेज आंधी आती है, तूफान आता है और बारिश भी हो जाती है जो बेमौसमी बारिश कहलाती है गर्मियों के बीच में जब मानसून से पहले, तो क्रॉप काफी डैमेज होता है. इन दोनों के जो हार्श कंडीशन है उसको मिटिगेट करने के लिए जायद का जो सीजन है जो फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून मिड यानी 15 जून तक हम इसको मानते हैं और इसमें हार्वेस्टिंग हो जाती है. और ये छोटा सा पीरियड जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, यूजफुल है. आप बहुत सारे जो किचन गार्डनर्स हैं, टेरेस गार्डनर्स हैं या बालकनी गार्डनर्स हैं उन्होंने अपनी क्रॉप लगाई भी होगी और उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए होंगे. क्योंकि अभी जो पिछली क्रॉप है जिसको हम रबी की क्रॉप बोलते हैं वो हार्वेस्टिंग का समय है. इस समय पीक सीजन है हार्वेस्टिंग का और हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये बैसाखी का त्यौहार अब आने वाले 4 दिन के बाद में हमें बैसाखी मिलेगी और बैसाखी को हम इंजॉय करेंगे. क्योंकि फार्मर्स जो होता है वो नई क्रॉप को अपने परिवार के साथ में लेके आता है और वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है कि वो किसी भी प्रकार किसी भी चुनौतियों का सामना करते हुए उसने पूरे जो आपके रबी का सीजन है उसको उसने झेला है. झेलने के बाद उसका रिजल्ट उसको मिला है. आज उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद क्रॉप उसके घर पे आई है तो उसके लिए खुशी की सबसे बड़ी, जैसे हम लोग जो मंथली वेजर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, जब उनको तनख्वाह मिल जाती है तो बड़ा खुशी अनुभव करते हैं कि चलो महीना पूरा हो गया, तनख्वाह हमारे हाथ में आ गई. फार्मर्स के लिए वो समय जब हार्वेस्टिंग होती है, उसकी क्रॉप उसके गोडाउन में आती है या उसके घर पे आती है तो वो उसका मतलब सैलरी डे है, पे डे है, पे डे है, से वो अपना काम करता है. अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? अनफॉर्चुनेटली जो किसान है वो अपनी बहुत सारी बातें जो है वो अपने आप महसूस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको साइंटिस्ट के साथ में बैठ के इंटरेक्ट करके वो जो क्रॉप लॉस होता है या जो उनको
इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम आती है या कोई डिसीज की प्रॉब्लम आती है उसका वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो किचन गार्डनर्स हैं उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर में या अपने जो को गार्डनर्स हैं उनसे पूछते हैं या अपने माली से पूछते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आज का सेशन मैं अब शुरू करूंगा आपके सामने में, बहुत अच्छा टॉपिक का दीपा मैम ने मुझे सुझाया था कि इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज, हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ यू नो कि ये डिजीज या ये पेस्ट आपके गार्डन में है और हाउ यू कंट्रोल दैट पेस्ट एंड डिजीज। तो ये पूरा का पूरा अभी 4 बजे है, 4:05 है, 1 घंटे का सेशन होगा, 5 बजे तक मैं अपना इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा और 5 बजे से लेकर के 5:20 5:15 तक 5:15 क्योंकि 5:20 के बाद मेरा अगला सेशन है उससे पहले मैं इसको वाइंड अप कर लूंगा। इसमें जब भी आपके पास जो क्वेरी होगी जो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट के 15 मिनट के अंदर में हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा और आप उसको इंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो डिजीज अभी आएंगे उस डिजीज के अंदर में हमें जो दिक्कतें आएंगी उसको समझना पड़ेगा कि कहां कब कैसे ये प्रॉब्लम आ सकती है, कब ये प्रॉब्लम आती है, कैसे ये प्रॉब्लम आती है और इसका कैसे हम उपचार करें। अगर आपको ये पता होगा तो किचन गार्डनर्स जो है वो कभी भी अपने आप को मतलब महसूस ये नहीं करेंगे कि भाई हमें मालूम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है खेतों में, तो ये एक तरह से क्या हुआ कि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पेस्ट इंसेक्ट है उनकी बस्ती को उजड़ने का समय आ गया। एक तरफ से हार्वेस्टिंग हो रही यानी जो भी पेस्ट थे जो इंसेक्ट थे उनकी कॉलोनी थी आपके खेत में और खेत को अगर हमने काट दिया तो वो कहाँ जाएंगे, वो आएंगे उसके बाद में। जैसे हम देखते हैं ना बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी को जब बुलडोज किया जाता है तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो अपना आशियाना खोजने के लिए भटकने लगते हैं, फिर उनको आसपास शहर के आसपास या जहाँ पर पानी की सुविधा हो, जहाँ पर रहने की सुविधा हो, जहाँ छांव मिल जाए वहां पर अपना शेल्टर को तलाशते हैं और उसके बाद उनका डेरा जमा लेते हैं। कीट पतंगों का भी यही एक तरीका है कि वो जब आपने उनके खेतों को हार्वेस्ट किया, यानी इससे पहले सरसों की हार्वेस्टिंग हमने की, सरसों के बाद में आप गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है और खेत खलिहान बिल्कुल उजड़ गए हैं, साफ हो चुके हैं, तो वो जो इंसेक्ट है जो वहां रहने वाला जीव है वो कहीं ना कहीं आश्रित था हमारे खेतों में, अब उनका आशय जो आशियाना है वो टूट चुका है, तो वो अब आप चारों तरफ घूमने लग गए हैं जो नए आशियाने की तलाश में है। तो आपका जो बालकनी है या आपका जो किचन गार्डन है, आपका जो टेरेस गार्डन है, वो सबसे सुटेबल प्लेस है। सुटेबल प्लेस क्यों है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से उसे हरा भरा बनाया हुआ है और बहुत सारे खाद आपने उसमें डाला होगा टाइम टू टाइम, जिससे कि नाइट्रोजन अवेलेबल है। भाई जो प्राणी है उसको खाने के लिए सुयोग ये भोजन अगर मिल जाता है तो वो वहां पर आकर अपना डेरा जमा देता है। अब दूसरी तरफ आपने देखा होगा अभी बसंत का महीना पूरा होकर चैत का महीना लगा है, तो यानी बसंत के मौसम में पतझड़ भी होता है। अभी आपने चारों तरफ देखा होगा कि पेड़ों से पत्ते भी झड़ रहे हैं, यानी उसमें भी जो आश्रय था, जो होस्ट प्लांट था, माने जो कीट पतंगों को अपने आश्रय देता था, वो भी झड़ रहे हैं। झड़ करके जब गिर रहे हैं तो वो कीट पतंग जो उसमें एग थे वो हैच होकर के उसमें लार्वे जो प्यूपे लार्वे और मतलब वो इंसेक्ट में दबदब हो गए हैं, अब एडल्ट एज में आ चुके हैं। एडल्ट में आते ही क्या है कि उनका एक तरह से इस समय मेटिंग सीजन भी है, तो आपको अप्रैल का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट, 15 दिन आने वाले 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे तो आपके आने वाली क्रॉप में मिनिमम डैमेज होगा, यानी मेरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है आपके प्लांट्स में आने वाले वो मिनिमम होंगे और आपको रिजल्ट मैक्सिमम मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्च और अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल 15 तारीख 10 अप्रैल है, यानी 15 अप्रैल तक का एक जो मौत है उसकी मेटिंग का टाइम है, तो आपने अपने आसपास में साइकस प्लांट लगाया होगा और साइकस जिसने भी साइकस लगाया है उनकी प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही उसमें नए शूट्स आते हैं कुछ समय के बाद में वो ब्राउन हो जाते हैं और पूरे लीव्स डैमेज हो जाती है, कोई ग्रीन कलर का इंसेक्ट उसको डैमेज कर रहा होता है। तो दिस इज द राइट टाइम, अगर आपने अभी ध्यान दिया तो आपका साइकस बच जाएगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका साइकस इस बार भी जो शूट्स आए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे
और आपको फिर 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, अगले 6 महीने बाद उसके सूट्स आएंगे। तो अगेन वो 6 महीने में सेम चीज रिपीट होती है। जैसे ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में ये मौत ब्राउन कलर का एक मौत है, वो आपके आसपास भटक रहा होगा और उसकी बड़ी शार्प सी आवाज आती है इवनिंग आवर्स में। वो अगर आप अपने बालकनी में अपने गार्डन में जाते हैं और जहाँ पर बहुत घना सा ग्रीनरी छाई हुई है, अगर आप उसको हल्का सा टच करते हैं तो एक ब्राउन कलर का मॉथ जिसमें थोड़े से लाइंस होती हैं वो उड़ के निकल जाती है। तो वो एक्चुअली एग ले करने के लिए बैठी हुई है, उसको सुटेबल प्लेस मिलेगा, सुटेबल टाइम मिलेगा तो रात के टाइम पे वो उसमें एग ले करके जाएगी। इसके साथ साथ में अभी आपके प्लांट्स के आसपास आपने देखा होगा मिलीबग। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखते हैं ये जो मैंने पिक्चर दी है आपके सामने में, इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज भी लगे हुए हैं, इंसेक्ट भी लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये इंसेक्ट पूरा इसमें गिरा हुआ है, थ्रिप्स लगाए हुए हैं, एयरविंग लगे हुए हैं, पाउडरी मिल्डिव डिजीज है, ये हुआ है येलो लीफ जो पीला पत्ती है उसकी एक डिजीज है, रस्ट नाम का एक डिजीज है इनका। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में इनको मैं डिटेल में जाऊंगा, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसकी रेमेडी है और कैसे उसको आप मैनेज करोगे जो आपका प्लांट जो है मिनिमम डैमेज हो, मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलता रहे। ये कुछ कॉमन बक्स हैं जो कि आपको आसपास अपने जो गार्डन है उसके आसपास पे दिखता हुआ, जिसमें एफिड है, एफिड विंग्स है, बेगवाम है, बिलबग है, कुकम्बर बीटल है, ये सारे जो इंसेक्ट है ये आपको आसपास पे दिखते होंगे। ये सारे इंसेक्ट कहीं ना कहीं पर हमारे जो क्रॉप है उनको डैमेज करते हैं, और उस क्रॉप को बचाने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज हम टॉपिक लेते हैं जिसमें एफिड का मैं चर्चा करूँगा। एफिड जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस सीजन में, जिस समय में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, यानी आपको मैंने बताया कि जो कॉलोनी है उनकी अब उजड़ चुकी है, वो नई जगह में आएंगे और उस समय में क्या है कि इनका मेटिंग टाइम भी है, मेटिंग टाइम के बाद में इसको एगले करना है, तो दिस इज द राइट टाइम। आपने जो भी जायद में क्रॉप लगाई होगी वो एक एडल्ट स्टेज में आ चुके होंगे, उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का टाइम आ गया होगा, तो ये मैक्सिमम जिस समय जब प्लांट एडल्ट हो जाता है तो उस प्लांट के अंदर में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये सारे कीट पतंगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो ग्लूकोज जो सीक्रेट होता है उसको वो उस सैप को सक करते हैं। तो इस समय अभी आप प्लांट्स में देखेंगे तो आपका प्लांट में एफिड का अटैक हुआ होगा, ये ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के क्रॉप को ये खा रहा सक कर रहा है। अब आप एक तरफ से देखिए कि कीड़ों का अटैक होना, नॉर्मली हम लोग लेमैन की तरह सोचेंगे तो ये लगता है कि चलो कीड़े जो है वो पेड़ में लगे हुए हैं डैमेज कर रहे हैं। ये कीड़े दो प्रकार से आपको डैमेज करते हैं, जिसको मैं एक सिंपल तरीके में आपको समझाता हूँ। सपोज आप बैठे हुए हो और कोई मच्छर आपको काटता है, तो जब मच्छर काटता है तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मच्छर के ऊपर, तो जहां पर उसने काटा फिक किया है वहां ध्यान जाता है, आप उसको देखते हो और उसके बाद तो उस मच्छर को मारने की कोशिश करते हो। जब मच्छर मर जाता है या नहीं उड़ जाता है, दोनों स्थिति में एक तो आपने प्रयास किया वो उड़ गया, दूसरा प्रयास दूसरे आपने देखा कि वहां पर कोई आप स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आने से आपने उसमें इचिंग भी शुरू हो गई। सेम वे प्लांट्स को जब ये जो जितने भी पेस्ट है इनका जब अटैक होता है तो प्लांट का ये सैप को सक करते हैं, सक करने के साथ साथ क्या होता है कि वो इंजरीज हो जाती है, जहां पर भी वो सक करेंगे प्रिक करेंगे जहां से उसको सैप रस निकालना है वहां पर वो इंजरीज कर जाएंगे। जब वो इंजरीज करेंगे, जैसे हमारे मुंह से सलीवा निकलता है, थूक निकलता है, वैसे ही उनके जो जहां से उसने प्रिक किया वहां पर भी कुछ लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, और वो वायरस क्या होता है कि जैसे प्रिक हो गया आपकी सरफेस, अगर कहीं से भी सरफेस डैमेज हो गई है और एक्सपोज हो गई है उसमें, तो वो वायरस जो है वहाँ उस एक्सपोज एरिया से इंजेक्ट हो जाएगा प्लांट के अंदर में, जिससे उसमें डिजीज भी आ जाएगा। एक तो इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट ने उसको उसका सारे सैप को सक किया, दूसरी तरफ में उसने जब उसको इंजरीज की उसमें, तो उसमें एटमोस्फेरिक जो वायरस है वो भी उस पर अटैक करेगा, और साथ साथ में जो उसके खुद के शरीर के ऊपर वायरस है वो भी उसके अंदर इंजेक्ट कर लेगा, तो आपका प्लांट के अंदर में एक एडिशनल डिजीज जो है वो उसने इम्प्लांट कर दी है। तो आपको क्या सिर्फ उस पेस्ट को या उस कीड़े को मारने पर केंद्रित आपका ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपको उसके साथ साथ में जो उसकी इंजरीज हुई है उसको कैसे आप हीलअप करोगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। और ये बात भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी प्लांट में
कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है, इट इज नॉट ओनली द अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, दिस ऑल्सो अफेक्ट द ओवरऑल यू नो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट. अगर आप प्लांट की पूरी वो देखेंगे कंडीशन, तो हम तो अपने शरीर का पूरा हिस्सा, जब हमारे को पता चलता है कि मच्छर बैठा हुआ है तो हम फोकस कर लेते हैं और मच्छर को उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लांट्स में वो क्षमता नहीं है. पर प्लांट्स क्या करता है कि पूरा का पूरा फोकस उसको उस इंसेक्ट से इरिटेट करने को कोशिश करता है, जिससे उसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है वो स्लो हो जाती है और आस्ते आस्ते वो रुक जाती है. तो जिस भी प्लांट पे इंसेक्ट एंड पेस्ट का अटैक होगा उस प्लांट में फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग स्लो हो जाएगी. तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये ध्यान देना है कि आपके प्लांट में किसी भी तरह से कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं हो, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. दूसरा एक प्रॉब्लम है जो बड़ा कॉमन है, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके पत्ते जो है कर्लिंग हो रहे हैं या वो उसके पत्ते येलोइश हो रहे हैं, तो उसका भी सीधा प्रभाव जो है व्हाइट फ्लाई से है. व्हाइट फ्लाई बिल्कुल छोटा सा एक इंसेक्ट है, वो आपका जो प्लांट के ऊपर में हनी ड्यूज होते हैं, जो प्लांट में एक्चुअली जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उसके हनी ड्यूज जो निकलते हैं उसको वो सक करता है, और ये सक करने के साथ साथ क्या करता है कि जिस समय ये उसकी सकिंग कर रहा होता है तो इसके भी मुंह से, मतलब इसके जो माउथ जहां से इसने पंचर किया है वहां पर लिक्विड सिक्रेशन होती है, वो चीज आपके प्लांट में इंजेक्ट हो जाती है, और इंजेक्ट होने के बाद में एक फंगस जो है वो प्लांट के अंदर चला जाता है जिसको सूटी मोल्ड बोलते हैं, और सूटी मोल्ड होने की वजह से प्लांट जो है उसके पत्ते काले और बड़े गंदे से होने लग जाते हैं, जो जिसकी उसकी ब्यूटी है, किसी प्लांट की ब्यूटी है वो खराब हो जाती है. तो व्हाइट फ्लाई का भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपके आसपास कहीं पर भी व्हाइट फ्लाई नहीं. देखिए आपको ये थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा दिखा रखा है, अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं, लेकिन इसकी आकार जो है ये छोटा होता, बहुत फाइनूट सा दिखता है. और अगर आपको अपने आसपास, अगर आपने ब्रिंजल का प्लांट लगा रखा है या टमाटर का प्लांट लगा रखा है या भिंडी का प्लांट लगा रखा है, तो वहां पर आपको ध्यान से आप देखेंगे इवनिंग आवर्स में जब सनसेट होता है प्लांट के पास में जाइए और उनके पत्तों को हल्के से हिलाइए, तो आपको महसूस होगा कि सफेद रंग की फ्लाइज जो है उड़ के जा रही है. तो आपने इसको रेगुलर बेसिस पर अपने प्लांट्स को देखना है, और जैसे ही आपको इसका इम्पैक्ट नजर आता है तो आपने इस पर जो हमारा रेमेडी है, जो हम ट्रीटमेंट इसका आगे बताएंगे, वो आपने करनी है. एक और प्लांट एक प्रॉब्लम है जैसिट का. जैसिट भी एक ऐसा इंसेक्ट है, ये क्या करता है कि आपके प्लांट को न केवल सैप सक करता है, साथ साथ में ये डिजीज भी ट्रांसमिट करता है. जिस तरह से वायरस समय पड़ा हुआ है, सालों तक वायरस आया है एटमोस्फेयर के अंदर में, जब ये आम की बॉल आती है, आम की बॉल आने से लेकर के आम के फल पे उसके स्टोन बनने तक, यानी जब तक आम थोड़ा सा उसको फूड सेटिंग नहीं हो जाती है तब तक एटमोस्फेयर के अंदर में बहुत सारे वायरस होते हैं. एक है उस समय सर्दी जुकाम भी हमें लगता है, हमें बीमारियां भी होती है, फीवर्स भी आती है, कफ एंड कोल्ड होता है, क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है. मॉर्निंग टेम्परेचर अलग है, डे का टेम्परेचर अलग है और इवनिंग का टेम्परेचर अलग है. तो इन तीनों टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारे मॉइस्चर भी हो जाता है, और ये जो बहुत ज्यादा वाइट मतलब जो वेरिएशन है उस वेरिएशन में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट की साथ साथ में डिजीज की संभावना ज्यादा हो जाती है. तो आपको डिजीज के ऊपर में भी ध्यान देना होगा, और ये सारे डिजीज आपके इंसेक्ट के द्वारा ही माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं. तो वो कहीं पर भी उस बीमारी लगी होगी, वो इंसेक्ट अगर आपके गार्डन में आ जाता है और वहां पर से आपके सकिंग स्टार्ट करता है, तो वो जो डिजीज जो बाहर थी, आपके पेरिफेरी से बाहर थी, आपके कंट्रोल से बाहर थी, वो आपके बाउंड्री में आ जाती है, आपके बालकनी में आ जाती है या आपके किचन गार्डन में आ जाती है. तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल सतर्क रहना होगा. आसपास में आपको कहीं पर भी जैसेट दिखता है, और ये थोड़ा सा इसकी साइज मैंने उसको जूम करके दिखा रखा आपको, थोड़ा सा छोटा साइज होता है इसका, और ये प्लांट को डैमेज करता है, तो इसको भी आपने देखना है. एक थ्रिप्स का एक और है, देखिए ये ब्राउन कलर का है, ये जो थ्रिप्स है इसका भी बहुत सारे वायरस को, बहुत सारे डिसीज को स्प्रेड करता है, फैलाता है, और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लांट्स में फ्रूटिंग जो है बिल्कुल ही बंद हो जाती है, और प्लांट जो है या तो डाई कर जाता है, मर जाता है, और प्लांट का पूरा डिफॉर्म हो जाता है इसके, मतलब अगर आप देखेंगे डिफॉर्मिटीज आ जाती है, इसकी जो फ्रूट्स है फ्रूट्स की क्वालिटी आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी, और आपका जो जितनी भी मेहनत आपने की होगी वो सारा इससे नुकसान होता है. अब इसके साथ साथ में एक
एक और प्रॉब्लम अभी आपने देखा होगा आसपास में इस समय में, जिस आपके गार्डन्स में जितने भी फ्लावर्स के लगे होंगे या जो आपके प्लांट्स लगे होंगे उसमें लीफ माइनर नाम का एक व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है। आपने पालक लगाया होगा, पालक में भी लीफ माइनर लाइन ऐसे बनी होगी, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे एक लाइन बनी होती है। ऐसे ही ये आपके बहुत सारे प्लांट्स होंगे, पंपकिन के प्लांट्स होंगे, उनमें भी ये लीफ माइनर अटैक करता है, है? और इससे इससे आपके प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो क्रॉप है उसका मैक्सिमम चीजें ये सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो इम्बेलेंस हो जाता है और जो आपका क्रॉप के रिजल्ट है वो आपको फेवरेबल नहीं होते हैं, वो आपके अगेंस्ट होते हैं, मतलब उसमें जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं मिल पाता है। ये बेसिकली अगर आप गार्डन में रेगुलर जाएंगे तो आपको हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी उड़ती है उसी तरह की एक बड़ी साइज की मक्खी उड़ती है, ब्लू कलर की है, वो अगर आसपास उड़ रही है तो आप उसको ट्राई करिए कि वो आपके यहाँ पर कहीं ना बैठे, कोई ऐसा स्मोक या ऐसा धुआं या कोई ऐसा इमिगेशन आप करते हैं जिससे कि ये जो है मक्खी आपके आसपास भटके नहीं। और अगर ये आती भी है तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता कि अगर आपने गार्लिक का एक गार्लिक का ओवरनाइट सोक करके रखिए और उसके जो एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा उसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये इनके इरिटेंट्स हैं, ये जो आपका फ्लाइज है वो फिर आपके प्लांट्स में बैठता नहीं है, और अगर प्लांट में नहीं बैठेगा तो वो प्रिक करके अगले नहीं करेगा, ये अगले करता है, उसके बाद में ये माइंड बना करके आगे इसको जो आपके लीव्स है लीव्स का जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके सक कर लेता है और उसके बाद में ये बाहर जब भी मैच्योर होता है ये बाहर आकर के लीफ कटिंग करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। They are identified as a garden pest as the cause. कि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो प्लांट की ब्यूटी खत्म हो जाती है, दूसरा जो लीफी वेजिटेबल्स है वो आपके कंजम्पशन के लायक नहीं रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने किसी भी लीव्स में अगर इस तरह के स्पॉट देखी है, लाइन देखी है, तो इस लीव्स को आपको तुरंत निकाल करके अपने अगर पालक में लगा है या किसी चीज में भी लगा है तो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, अपने आसपास भी गार्डन के आसपास भी इसको मत डालिएगा क्योंकि ये फिर वापस आकर के मैच्योर होंगे और फिर ये आपके गार्डन को इरिटेट करेंगे। तो आपको इसको प्रॉपर इसका मैनेजमेंट है कि आप इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद में इसको बहुत अपने गार्डन से काफी दूर इसको डिस्ट्रॉय करना है सो दैट कि आपके यहाँ वापस नहीं आ जाए। इसके अलावा अभी जो सीजन है इस सीजन में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो किचन गार्डनर्स हैं वो जब मॉर्निंग और इवनिंग में अपने गार्डन में आसपास घूमते हैं तो उनको अपने प्लांट्स बहुत डस्टी दिखते हैं, ऊपर डस्ट की एक लेयर दिखती है, गंदगी दिखती है, और उनको वो लोग क्या करते हैं पानी से ड्रिंच कर देते हैं, पानी से उसको पूरा नहला देते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की मॉर्निंग में आवर्स में अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, मॉर्निंग में अगर आपने पानी से वेट कर दिया अपने पत्तों को और उसके बाद में सडनली क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ गया, सनलाइट बहुत तेजी से आ पड़ी, तो उससे क्या होगा कि प्लांट में डिजीज आ जाएगा, उससे जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से डिजीज आपके यहाँ आ जाएगा। प्लस जो कैटरपिलर है ये भी इस समय बहुत एक्टिव है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले जो कैटरपिलर है या मतलब आपके पास में जैसे आपने करी पत्ता लगा रखा है तो करी पत्ता में आप देखेंगे वो डैमेज कर रहा है, आपका टमाटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टमाटर में भी कैटरपिलर लगा होगा वो उसको डैमेज कर रहा है, अगर आपने कैलीफ्लावर लगा हुआ है जो चल रहा है इस समय तो कैलीफ्लावर के अंदर में भी ये जो ग्रीन कलर के कैटरपिलर है ये आपको डैमेज करते हुए नजर आएंगे। पंपकिन कैटरपिलर होते हैं, कुकरबिट्स के कैटरपिलर है, वाटरमेलन वॉर्म है, ये सारे पेस्ट जो है आपके गार्डन में कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज को डैमेज करते हुए पाएंगे। क्योंकि ये बटरफ्लाई का एक पहला रूप है, उसके बाद भी ये बटरफ्लाई बनके उड़ जाते हैं, लेकिन जो जितना डैमेज ये करते हैं वो डैमेज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो जो टमाटर के ऊपर में लगता है वॉर्म जो बोरर लगता है वो एक दिन में 20 से 22 टमाटर को डैमेज कर देता है। तो अगर आप इस तरह से एक भी अगर इंसेक्ट आपके बगीचे में है, आपके टेरेस गार्डन में है, रूफ गार्डन में है, रूफ में है, तो आपके जो भी मेहनत आपने की होगी 2-3 महीने पिछला और वो सारे क्रॉप को वो डैमेज करता हुआ चला जाएगा, जब एंड रिजल्ट आने का समय है तो आपके पास में एंड रिजल्ट जीरो होगा। तो इनको और इसके बाद में एक और सबसे बड़ी जो मेंस है इस समय, आप अगर हिबिस्कस के ऊपर ध्यान देते हैं या आपके पास में जैकफ्रूट का प्लांट लगा हुआ है या आपके पास में और भी जिसपे आप देखते हैं कि एक मिली बग जो है उसका जबरदस्त अटैक हुआ है। तो मिली बग जो है वो
बहुत ही इस समय टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, मॉर्निंग और इवनिंग में आपका टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे जो समय में ये मिलीबग बहुत एक्टिवली ये मैनिपुलेट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और प्लांट्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं और काफ़ी मात्रा में इसकी जो प्रॉब्लम है वो है और उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है अगर आप लोग इसको समय से इसका कंट्रोल कर लें तो शायद ये जिस तरह से मैंने आपको विस्कस का एक प्लांट दिखाया और इस प्लांट के ऊपर में जिस प्रोसेस में कॉलोनी बना ली है यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप रेगुलर अगर अपने आसपास गार्डन्स में जाते हैं और आपको नजर आता है एक दो मिलीबग भी नजर आता है तो उसको या तो पानी के जेट से पानी के पाइप से प्रेशर बना करके उसको वॉश कर लीजिए प्रॉपरली या किसी लकड़ी की सहायता से उसको वहां से झाड़ दीजिए जहां पर भी वो लगा हुआ है क्योंकि वो जब डिस्टर्ब हो जाता है एक जगह से तो वापस उसको पहुंचने में टाइम लगता है और उसकी जो स्पीड है वो ब्रेक हो जाती है। तो आपने जहां पर भी आपको नजर आता है कि मिलीबग का अटैक हुआ है या मिलीबग का एक तो इंसेक्ट भी दिख रहा है आपने आमने सामने तो उसको आप रिमूव करने की कोशिश करिए। ये तो सिंपल सी बात है, लकड़ी से सहायता से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इसको पानी के प्रेशर से भी, आप कोई प्रेशर आपके पास में प्रेशर पंप होगा या जो आपका स्प्रेयर मशीन है घर पे पड़ी होगी उस पर भी अगर आप पानी का प्रेशर से बनाकर उसको वहां से निकाल सकते हैं। अगर इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उससे बचाव का तरीका मैं आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे अब आप इसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करता हूँ, जो भी अभी तक मैंने आपसे चर्चा की है, एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है या आपका कैटरपिलर है, इन सब के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपने आसपास में सब जो भी आपके लीव्स है जहां पर भी आपको या तो कटा हुआ नजर आता है या लीफ में कोई डैमेज नजर आता है या लीफ के ऊपर में कोई भी इंसेक्ट नजर आता है तो आप उसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें और ये पानी से वॉश करने का समय केवल इवनिंग आवर्स है, शाम का समय करिएगा, सनसेट के बाद करिएगा। उसका रीजन ये है कि ओवरनाइट जो भी पानी आपने डाला होगा उनके पत्तों को वेट किया होगा वो ओवरनाइट एवेपोरेट होकर के ड्राई हो जाएंगे सो दैट उनमें जो फंगस डिजीज है वो आने की संभावना कम रहेगी। अगर मॉर्निंग आवर्स में इसको करते हैं तो मॉर्निंग में क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको वॉश किया या पानी से इसको ड्रेंच किया और उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ता गया, फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हुआ तो आपके उसमें बहुत सारे डिजीज आने की संभावना है और उस डिजीज को भी आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर में अगर आपको कहीं कैटरपिलर दिख रहा है तो टमाटर के कैटरपिलर के लिए बड़ा सिंपल सा एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आपके टमाटर में अगर कैटरपिलर लगा हुआ है और डैमेज कर रहा है तो आप टमाटर के प्लांट के जो लीव्स हैं उसके नीचे जो लीव्स हैं उन लीव्स को आप रिमूव कर दीजिए। उसमें एल्कलॉइड नाम का एक टमेटीन होता है और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो वही चीज है कि आप देखिए ध्यान से देखिएगा तो जो आपके कच्चे टमाटर हैं उनमें तो बोरर लगा हुआ है लेकिन जो पके हुए टमाटर हैं उसमें कीड़े नहीं लगते क्योंकि जैसे ही टीएसएस लेवल बढ़ जाता है, उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है तो अल्कलाइड हो जाता है तो उसके बाद में फिर ये जो वॉर्म्स है वो उसको डैमेज नहीं करते हैं। तो अब अगर आप क्या करो उसके नीचे के लीव्स को इकट्ठे कर लीजिए, एक हैंडफुल ले लीजिए, हैंडफुल लेने के बाद उसको अच्छी तरह से क्रश करके पानी में उसको सोक करके रखिएगा ओवरनाइट और ओवरनाइट सोक करने के बाद में फिर उसको छान करके और इसी का स्प्रे अगर आप प्लांट में कर देते हैं, पत्तों में कर देते हैं तो ये वॉर्म का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा अगर तरीका मैं आपको बताऊं कि नीम ऑयल अगर आपके पास में है, नीम ऑयल का रेगुलर जब तक आपका टेम्परेचर का वाइट जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में 6 से 8 डिग्री का जो डिफरेंस है वो अगर कंटिन्यूसली चल रहा है और उससे ज्यादा भी अगर 12 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे समय में आपको रेगुलर बेसिस पे 1 टीस्पून नीम ऑयल को 4 लीटर पानी में मिलाना है और आपके सारे जितने भी गार्डन्स में लीव्स हैं उनके ऊपर वाले सरफेस पे तो करेंगे तो नीचे वाले सरफेस है उसके ऊपर भी इसका स्प्रे करिएगा। और इसका स्प्रे करने से होगा क्या कि आपके जो भी इंसेक्ट इवनिंग आवर्स में बेसिकली ये काम करिएगा सो दैट जो इवनिंग में आकर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो शाम के समय में अपना आसरा खोजते हैं और शाम में शाम इवनिंग से रात भर बैठ के वो आपके पत्तों को खाते हैं या उसमें एगले करना होगा तो इवनिंग रात में इसको एगले करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि आप शाम के समय में नीम ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आपको ये डैमेज जो है वो मिनिमम हो जाएगा और आप अपने प्लांट्स को सुरक्षित कर सकेंगे। दूसरा अभी आपने
जितने भी डिजीज का मैंने जिक्र किया, एफिड जैसे, ट्रिप्स और मिलीबग, सबसे पहले तो मैं आता हूँ एसिड जैसे और ट्रिप्स, इन तीनों के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है कि आपने अपना घर, अपने घर पे ही एक सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, और ये सॉल्यूशन जो है आपके प्लांट्स में काफी इफेक्टिव रहता है। और ये जितने भी इंसेक्ट की डिस्कस हमने किया है, उन सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास कोई भी प्लांट जो कि शिवालय में, शिव जी के मंदिर में चढ़ता है, जैसे कनेर का पत्ता चढ़ता है, बेल पत्र चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, आम का चलता है, और इस तरह से पांच पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए। कोई भी पांच पत्ते जिसमें आप नीम ले सकते हैं, आप बेल ले सकते हैं, और आप कनेर का ले सकते हैं, आप धतूरा का ले सकते हैं, आप जो भांग है, भांग के पत्ते ले सकते हैं। ऐसे पांच पत्ते अगर आसपास आपको मिल जाते हैं, उनको एक हैंडफुल, एक एक मुट्ठी आप सबका लेना है, और उसको 5 लीटर पानी में सोख करके रखना है 3 से 4 दिन के लिए। 3-4 दिन के बाद में जब उसका एक्सट्रैक्ट निकल के आ जाएगा, उसको स्टेयर कीजिएगा डेली बेसिस पे, और जब उसका एक्सट्रैक्ट निकल आ जाएगा, उसको छान करके किसी बोतल में रख लीजिएगा। जब भी आपको मौका मिलता है और आप प्लांट्स के आसपास जाते हैं, कोई इंसेक्ट आपको दिखता है, तो आपको प्लांट्स को अच्छी तरह से उसे स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो आपका इंसेक्ट है वो फर्दर उसको डैमेज ना करे, और उसके बाद में वहां से वो चला जाए, रिमूव हो जाए, या वो वहां से वो जो उसके बेसिकली जो उसमें पॉइजन होता है, उससे वो कीड़े जो है वो झड़के गिर जाते हैं। और जैसे हमें मिर्च लगती है और वैसे ही जैसे हमें कड़वापन लगता है, वैसे ही इंसेक्ट पेस्ट को भी होता है। तो इनको अगर फेवरेबल खाना नहीं मिलेगा तो ये खाना नहीं खाते हैं और स्टार्वेशन में चले जाते हैं, जिससे क्या है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती है। दूसरा है गार्लिक जिंजर चिल्ली का आप पेस्ट बना सकते हैं इक्वल अमाउंट में, तीनों चीज को, गार्लिक 10 ग्राम, जिंजर 10 ग्राम, और चिल्ली जो हॉट पेपर होता है वो 10 ग्राम, तीनों के 10-10 ग्राम को ले लीजिएगा। तीनों को क्रश करके इसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसको पानी में मिक्स कर लीजिएगा, मिक्स करके इसको छान लीजिएगा, छानने के बाद में किसी बॉटल में रख लीजिएगा। अब आपको इसी मिक्सचर का इस्तेमाल करना है अपने प्लांट्स में इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ में जो डिजीज है इंसेक्ट पेस्ट के बाइट से, काटने से, इंजरी से प्लांट में डिजीज भी आएगा, उसके लिए क्या करना है, जब भी आप स्प्रे करने के लिए तैयारी करोगे तो इनमें 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच सिनेमन पाउडर को भी मिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से शेक करके प्लांट के ऊपर स्प्रे करिएगा। अगर आपके पास, आप देख रहे हैं कि जो सकिंग पेस्ट है, जो चूसने वाले पत्ते को चूसते हैं, यानी उसमें पत्ते में कोई कट नहीं है पर पत्ते को सक करने वाले पेस्ट लगे हुए हैं, उसके लिए तो गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट को इक्वल पोर्शन में बना करके उसमें 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाल करके फिर उसको छान करके उसका स्प्रे करेंगे। अगर आपको लगता है कि कटिंग पेस्ट है, कोई पत्ते को काट के जाता है, अगर आप ध्यान से देखते हो मॉर्निंग में, अगर आप क्यारियों में घूम रहे हैं तो आपको पत्ते में कट मार्क आता है किसी एज से, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट में ही आपने 5 ड्रॉप लिक्विड माइट सोप भी डाल देना, साबुन का पानी भी डाल देना है, जिससे कि आपके वो जो कटिंग पेस्ट है वो उसको उससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। और अगर आपके पास में माइट सोप में डाउट है, क्या अगर लगता है कि मैं ज्यादा इसमें डाल दूंगी और प्लांट मेरा डैमेज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए भी आपके पास एक तरीके है कि आप गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट के ऊपर एप्पल सिडार का 5 ड्रॉप एप्पल सिडार का भी मिक्स कर दीजिएगा और उसका स्प्रे आप करिएगा, तो इससे भी आपको काफी हद तक जो ये एफिड जैसेट और थ्रिप्स है उससे आपको निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम मिलीबग का। मिलीबग की जो प्रॉब्लम है वो उसका जो स्किन है, यानी सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट स्किन वाले जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको डैमेज करने के लिए आपको इरिटेट करना उनको जरूरी है। इरिटेशन के लिए क्या है कि आपका चिल्ली जो है वो इरिटेट तो करता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाना है तो आपके पास में जो बर्नट वेजिटेबल ऑयल है, जो जैसे पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े बनाने के बाद में जो आपका वेजिटेबल ऑयल है वो बचा हुआ है, तो उसको आप ले लीजिए 5 ड्रॉप वेजिटेबल ऑयल, 5 ड्रॉप लिक्विड सोप जो हैंड वॉश के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो, और 5 ड्रॉप्स आपका नीम ऑयल, ये तीनों के मिक्सचर बना करके इसका पर लीटर, 1 लीटर में 5 ड्रॉप नीम ऑयल डालना है, 5 ड्रॉप वेजिटेबल ऑयल जो जला हुआ जो पकौड़े के बाद बचा हुआ तेल होता है वो डालना है, और 5 ड्रॉप लिक्विड सोप जो आपके पास है वो है, तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह से वो 1 लीटर पानी में मिक्स करिए
और उसके बाद में उसका स्प्रे करिए जहां पर भी आपका मिलीबग का आपको दिख रहा है, मिलीबग के ऊपर में इसका स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो इंसेक्ट है उसके ऊपर में ये वेजिटेबल ऑयल की एक लेयर लग जाएगी और जिससे कि उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी, एक तरह से वो सांस लेने की उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, जिससे वो आस्ते आस्ते वो आपके प्लांट से रिमूव हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आती होगी आपके आस पास में, बहुत सारे जगह में आपके छोटे छोटे चींटियां काफी हैं, जो चींटी आपको लगता है कि चींटियां हैं वो क्रॉप को डैमेज नहीं कर रही हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से आपके लौकी के पौधे के ऊपर में भी कुछ चींटियां चलती हुई नजर आएंगी, या अगर आपने अगर आपके घर पे तोरी लगी हुई है तो तोरी पे भी कुछ चींटियां चलती हुई नजर आएंगी। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी ये मैंने बॉटल गॉर्ड है, स्पॉन्ज गॉर्ड है, बिटर गॉर्ड है, इनमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड सिक्रेशन होती है, इनमें से ग्लूकोज सिक्रेट होता है और वही ये जो आपके एंट्स हैं उनके लिए उनका भोजन है, तो उसको खाने के लिए वो क्या करती है प्लांट्स के ऊपर में चलती है। अब हमें तो लगता है कि वो प्लांट्स में जा रही है, डैमेज नहीं कर रही है, डैमेज कर रही है। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम उस इंसेक्ट को एक ही प्लांट के ऊपर में बार बार चलता है तो उसके चलने से प्लांट के जो टिश्यूज है वो डैमेज होने शुरू होते हैं, और जब बार बार एक ही जगह से चलता है, जैसे आप देखते हो कि आप किसी पगडंडी पर चलते हो, एक बार चलते हो, दो बार चलते हो, तीन बार चलते हो, तो फिर फुटमार्क बन जाता है, पगडंडी में भी फुटमार्क बन जाता है। उसी प्रकार से जो भी ये एंट्स है जब ये प्लांट्स के ऊपर चलते हैं तो इनके फुटमार्क बन जाते हैं उसके टिश्यूज के ऊपर में, और वो एक अच्छा मतलब जो इंजरीज है उसकी स्किन एक्सपोज हो जाती है, जहां से वायरस जो है वो प्लांट के अंदर में इंजेक्ट होता है या उसका जो आपके टिश्यूज के ऊपर में सीधे डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में भी आपने उस एंट को भी रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक लीटर पानी में 1 टीस्पून शुगर, खाने वाला जो शुगर है, और 5 ग्राम एटलीस्ट 5 ग्राम बोरिक पाउडर, जो कि कैरम खेलने के लिए हम लोग बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बोरिक पाउडर को आप मिक्स करके उसको आप कॉटन के बॉल्स बना लीजिए, छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, और बॉल को उस सॉल्यूशन में डिप करके वेट करके जगह जगह जहां जहां पर भी आपको ये एंट्स दिख रहे हैं, ब्लैक एंट्स दिख रहे हैं, चींटियां दिख रही हैं, वहां पर छोड़ दीजिए। जहां पर भी चींटियां शुगर की वजह से आएंगी उसको खाएंगी, और खाने के बाद बोरिक पाउडर उनके शरीर में जाएगा, तो बोरिक पाउडर के रिएक्शन से वो चींटियां जो है उनका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, जिससे सांस लेना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद में वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आप एफिड जैसे ट्रिप्स, मिलीबग और एंट का कंट्रोल कर सकते हैं। एक और आपको प्रॉब्लम आती है आपके गार्डन्स में व्हाइट एंट, सफेद जो व्हाइट कलर का जो दीमक है वो भी काफी डैमेज पहुंचाता है। उसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास में बोरिक पाउडर नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप क्या करिए कि एक कोई छोटा सा मट्टी के अर्दन बेयर ले लीजिए, उस पर कच्चे गोबर, गाय का गोबर अगर है, कच्चा गोबर होना चाहिए, वो कच्चा गोबर या फिर जो भुट्टा है, भुट्टा का जो कॉप बच जाता है उस कॉप को छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, या आपके पास सूखे हुए लकड़ी जो बिल्कुल ड्राई उसकी छीलन है लकड़ी की, उसको उस बर्तन में डाल करके उसको हल्का सा मॉइस्ट करके छोड़ दीजिए, तो वो सारे दीमक जो है वो एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद में उसमें गर्म पानी आप डाल दीजिए जिससे कि गार्डन में आपका ये जो दीमक है वो खत्म हो जाएंगे। वैसे इसका एक और बहुत सही सटीक उपचार ये है कि यू कैन यूज आपका जो हींग होती है वो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, उसको 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी आप हींग का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि व्हाइट एंट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। देन आप कुछ डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें डंपिंग ऑफ है, ये एक सॉइल बॉन्ड फंगल डिजीज है, जो जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो इस प्लांट में अगर आप देखेंगे तो वो जो सॉइल के सरफेस से प्लांट जो है वो गिरा हुआ नजर आता है, यानी प्लांट अच्छा खासा चल रहा होता है, सडनली प्लांट गिरा हुआ होता है, यानी उसके जहां पर रूट एंड शूट की जो कॉम्बिनेशन कॉलर है वहां से प्लांट गिरा हुआ नजर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्लांट है यहाँ से डैमेज हो जाता है, तो ये डंपिंग ऑफ कहलाता है। ये डंपिंग ऑफ बेसिकली एक तरह का फंगल डिजीज है, और इस फंगल डिजीज का कारण ये होता है या तो ये सीड से ट्रांसमिट होकर के आया हो, या फिर किसी जो सीडलिंग आया आपके पास में उस सीडलिंग में ही ये फंगस डिजीज हो और आपने ट्रांसप्लांट किया और सडनली पानी वानी उसको मिला,
फेवरेबल कंडीशन मिला तो प्लांट को आपको डैमेज कर देगा। तो इन सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आप अपना घर पे सीडलिंग बनाएं या सीड्स को सोइंग करें, उससे पहले आप अपने सीड को फंजीसाइड से ट्रीट कर लें। अब फंजीसाइड में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो भी किचन गार्डनर्स हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, न कि कोई केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। तो जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड है उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि काउ यूरिन, काउ यूरिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 5 drops per liter, 1 liter में 5 drops काउ यूरिन डाल करके उसमें आपको 30 minutes से लेकर के 3 hours अप टू 3 hours सीड को सोक करके रखने हैं। अगर आपका सीड जो है उसके अपर लेयर जो हार्ड है, हार्ड लेयर वाले होते हैं, उनको आप 6 घंटे तक भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले हैं उनको केवल 30 मिनट भी आप सोक करके रखते हैं तब भी आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपका टमाटर है, ब्रिंजल है, चिल्ली है, कैप्सिकम है, इनके सीड्स को 30 मिनट भी अगर आप सोक करके रखते हो और उसके बाद में इसकी सोइंग करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा बाजार में अवेलेबल है जो ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से इस पे ये सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और प्लांट मतलब ये अपना बायोडिग्रेडेबल भी है और आपका कुछ समय के बाद में ये डिग्रेड हो जाता है, तो आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि आपको डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और आपने देखा प्रॉब्लम है जो डाउनी मिल्ड्यू के नाम से, अगर आप लीव्स को देखेंगे तो येलो 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 स्पॉट आपको दिख रहे होंगे। ये जो मेन कारण है, इसका मेन कारण होता है कि अगर मॉर्निंग आवर्स में वर्षा की बूंदें, आजकल आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है मौसम चेंज हो जाता है, सडनली कुछ बूंदें गिरती हैं और उसके बाद में फिर सारे बादल खत्म हो जाते हैं और तेजी से गर्मी धूप पड़ जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हुआ कि सडनली बारिश आई, कुछ बूंदें गिरी और उसके बाद में धूप आ गई, तो इससे डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम आती है। यही चीज मैंने आपको पहले भी कहा था कि गार्डन में अगर आप पानी का स्प्रे करते हैं प्लांट्स में मॉर्निंग आवर में तो वो भी डाउनी मिल्ड्यू के कारण बनते हैं। तो अवॉइड ड्रिंचिंग योर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपने ड्रिंक नहीं करना है। और अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली अगर क्लाइमेट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अगर बारिश का पानी पड़ चुका है और उसके बाद में तेज धूप आ गई है तो डाउनी मिल्ड्यू आएगा ही आएगा डिजीज। अब इस डिजीज के लिए बहुत इजी तरीका यह है कि कॉपर बेस अगर कोई फंजीसाइड आप इस्तेमाल करते हैं कॉपर से, कॉपर बेस का फंजीसाइड बनाने का तरीका बहुत सरल है। आपने क्या करना है, 100 ml जो फर्मेंटेड बटर मिल्क है, 100 ml फर्मेंटेड बटर मिल्क को ले लीजिए, उसको किसी भी कॉपर के वेसल में, कॉपर के बर्तन, पूजा करने के लिए बहुत सारे बर्तन आपके घर में होते हैं, तांबे का बर्तन होता है, या अगर तांबे का बर्तन आपके पास नहीं है तो कॉपर वायर भी अगर आपके पास में है तो आप किसी भी अर्थनवेयर में 1 liter फर्मेंटेड बटर मिल्क को ले लीजिएगा, उसमें कॉपर की वायर को छोड़ दीजिएगा 4 से 5 दिन के लिए। 4-5 दिन के बाद में कॉपर ऑक्सीडाइज होने के बाद में उसमें कॉपर रिलीज होकर के आ जाएगा और उस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 5 ml per liter के हिसाब से इसका स्प्रे करिएगा प्लांट के लीव्स के ऊपर में। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये ऑर्गेनिकली और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखे गए हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट जो है वो क्या होता है, ये भी एक तरह से फंगल डिजीज है। इसमें आपने पत्ते में देखिए जैसे ब्राउन 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 कैसे ये पूरा सूख जाता है, इस तरह से आपका पूरा पत्ता डैमेज होता है। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका प्लांट में जो है क्लोरोफिल जो है वो बनना बंद स्लो हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो सरफेस है वो डैमेज हो गई, उस पत्ते के अंदर में फोटोसिंथेसिस की एरिया कम जगह बची तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो उसका फूड जो है वो भी स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सल्फर का 2 gram per liter के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं सल्फर का तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम को आपने बहुत जल्दी जैसे ही आपके नजर में आता है, खासकर ये टमाटर के प्लांट्स में अगर आपने देखा होगा, आपने टमाटर का देखा होगा कि वो नीचे की तरफ से ब्राउन होना शुरू हो गया होगा, और खासकर जो टमाटर जमीन के नजदीक है उनके अगर सरफेस में अगर आप देखते हो तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हुआ होगा। तो ये सारे चीजों का एक ही इलाज है कि आपको सल्फर 2 gram per liter के हिसाब से स्प्रे करना है। अगर आपके पास सल्फर नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप सल्फर कहाँ से लेके आओगे, सल्फर की रिक्वायरमेंट आप ऑर्गेनिकली अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो बहुत सारे आपके पास में प्लांट्स हैं जिसमें सल्फर की मात्रा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बादाम की बात करते हैं तो बादाम खराब जो हो जाता है, जो एक्सपायर हो जाता है
या आपका खत्म हो गया उसमें भी सल्फर की काफी अच्छी मात्रा होती है। तो चार पांच बादाम को अगर आप क्रश करके उसको पानी में डाल करके रखें, वेट करके उसको एक्सट्रैक्ट निकालें और उसका स्प्रे करें तो वो सल्फर भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये अमरूद में भी सल्फर काफी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन अमरूद क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है और है भी तो बहुत कॉस्टली है तो वहां से सल्फर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास में अमरूद है तो अमरूद से भी आप बना सकते हैं, उसको भी आप क्रश करके पानी में डाल के रखिए, छान लीजिए और उसका भी स्प्रे करेंगे तो उससे भी सल्फर आपको मिल जाएगा और सल्फर से आपकी ये जो अर्ली ब्लाइट की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। एक और आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी जो लीव्स है वो कर्लिंग होती है, कर्ल हो जाती है, और ये भी कर्ल होने का कारण ये जो व्हाइट फ्लाईज है, मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाइट फ्लाई जो है वो इसका सबसे बड़ा मतलब दुश्मन है और उसकी वजह से ही ये कर्लिंग की प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए आपने सबसे पहले चारों तरफ आपने ध्यान देना है कि आपके बाग में बगीचे में कहीं पर भी व्हाइट फ्लाई नहीं होना चाहिए। अगर व्हाइट फ्लाई है तो सबसे पहले व्हाइट फ्लाई को वहां से हटाने के प्रयास करें। उसके लिए नीम ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट, जो भी किचन गार्डनर्स हैं उनके पास में नीम ऑयल होता है। नीम ऑयल 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपने प्रोफाइलेक्टिक माने बीच बीच में करते रहना है। आपने वीकली बेसिस पे भी अगर आप करते हो तो उससे डैमेज कुछ नहीं होगा, बल्कि प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा आस्ते आस्ते और साथ साथ में जो इंसेक्ट पेस्ट है वो आपके गार्डन में मिनिमम रहेंगे। तो ये भी आपने करना है। और ये जो लीफ कर्ल है वो भी सल्फर या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए भी सेम चीज है कि आप इसमें फर्मेंटेड बटर मिल्क को किसी भी कॉपर वेयर में रख दीजिएगा 4 से 5 दिन के लिए, तो वो कॉपर से उसका कॉपर रिलीज होकर के आपके बटर मिल्क में आ जाएगा। और बटर मिल्क आने के बाद में फिर आप उसको आप 1:10 के रेशियो में मिक्सर बना करके या 5 ml पर लीटर के हिसाब से प्लांट का ड्रिंच कर देते हैं तो आपको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाता है, इससे भी आप बच जाते हैं। एक आपने देखा होगा पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम आती है, अगर प्लांट्स के पत्तों को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर में पाउडर के डस्ट जैसे आपको लगते हैं। ये भी एक तरह का फंगस है। इस फंगस की वजह से मतलब प्लांट्स में जो है वो क्लोरोफिल नहीं बन पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली उसके बैरियर का एक तरह से प्रोटेक्शन बन जाता है। तो वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। अगर आपका सॉइल का मॉइस्चर जो है वो लो है और उसके बाद में हाई ह्यूमिडिटी है तो इससे प्लांट में ये डिजीज आ जाता है। इसके लिए बेस्ट जो ऑर्गेनिक तरीका है वो गाय का दूध है। गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी दूध जो कि बॉइल नहीं है, विदाउट बॉइल वाला दूध अगर है तो 40% आप वो मिल्क ले लीजिएगा, 60% वाटर ले लीजिएगा, दोनों को मिक्सचर बना करके 10-12 दिन या 10 से 14 दिन के अंदर में एक बार अपने पत्तों को अच्छी तरह से ड्रिंच कर दीजिएगा तो आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू जो प्रॉब्लम है इससे आपको निजात मिलेगी। एंड मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट, मिल्क से बेहतर पाउडरी मिल्ड्यू का कोई ट्रीटमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है। जो ऑर्गेनिक तरीका होता है, जो लोग ऑर्गेनिकली गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है गाय का दूध और या तो कोई भी दूध, उसको अगर 40-60% रेशियो में अगर हम मिक्सचर बना करके स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे आ जाते हैं। एक है मोज़ेक वायरस, ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके भिंडी में खासकर ये बरसात से पहले जब बरसात शुरू होने वाली होती है उससे पहले ये डिजीज हमारे आसपास देखने को मिलता है, या टमाटर के पौधे में भी ये प्रॉब्लम आपको नजर आती है, पत्ते येलो हो जाते हैं, इसको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। मोज़ेक वायरस का भी बेसिक जो रूट कॉज है, इसकी जो जड़ है वो है व्हाइट फ्लाई। अगर व्हाइट फ्लाई है तो आपको मोज़ेक आ जाएगा, या फिर कोई डिजीज जहां पर भी जो सीड आपने लिया होगा, हो सकता है वो सीड जब बन रहा होगा प्रोसेस में होगा तो वहां पर प्लांट जो है वो मोज़ेक वायरस से इन्फेस्टेड होगा तो तब वो सीड से आपके प्लांट में वापस आ गया, या फिर आपके आसपास में कहीं पर मोज़ेक वायरस है तो वहां से भी ट्रांसमिट होकर के वो आपके यहाँ पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में भी ये आपके जो गार्डन है उसमें जो भी आपने क्रॉप लगाई हुई है उसको डैमेज करता है, तो इसको भी आप लिक्विड सोप और नीम ऑयल का मिक्सचर बना के, यानी 5 ड्रॉप लिक्विड सोप, माइल्ड सोप होना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए जो यूज करते हैं, और 5 ड्रॉप नीम का जो आपके पास में नीम ऑयल है उसको आप मिक्सचर बनाइए। दोनों मिक्सचर को अगर ये बेसिकली जो सोप है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इमल्सिफाई हो जाता है, जो ऑयल है वो पानी में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, पर अगर हम उसको लिक्विड सोप के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हल्का सा ये डिजॉल्व हो जाता है
और उसके बाद में ये कोटिंग बना देता है, तो उसको आप अपने प्लांट के ऊपर में स्प्रे करेंगे तो मोज़ेक वायरस से आपको कंट्रोल हो जाएगा, ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें भी आपको ध्यान ये देना है कि नीम ऑयल का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो मोज़ेक वायरस को ट्रांसमिट करने वाले जो इंसेक्ट है वो आपके गार्डन में मिनिमम रहेंगे या बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, तो गार्डन आपका डैमेज नहीं होगा। उसके बाद एक और डिजीज है जो इसको कॉमन रस्ट कहते हैं, आपने देखा होगा आपके पास में अगर सपोटा का प्लांट है या आपने देखा आपके पास में फाइकस का प्लांट है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये ब्राउन ब्राउन कलर के रस्ट जैसा होता है, जैसे जंग लग गया इस तरह से कलर लीफ्स में आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का फंगल डिजीज है। और ये फंगल डिजीज की वजह से आपके प्लांट का जो लुक है वो बड़ा खराब हो जाता है। और मैंने प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी लीप्स हैं प्लांट के वो प्लांट को फूड देने का काम करते हैं, और वो फूड बनाता कब है, जब फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस तब होगी जब आपका सरफेस बिल्कुल क्लियर होगा, सरफेस के अंदर में कोई डिजीज नहीं होगा, तो वो उतना अच्छा बेटर फूड बना पाएगा। लेकिन जब प्लांट में कोई डिजीज आ जाती है और लीप्स खास करके डिजीज से इफेक्टेड होते हैं, तो आपका फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो फिर रूट से ही जो लेना है वो प्लांट को लेता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि प्लांट के जो रूट्स है उसको आप मल्च करके रखिएगा, ढक के रखिएगा। ढक के रखने का मतलब ये होता है कि जैसे सनलाइट है बहुत तेज गर्मी धूप की पड़ रही है जड़ों में, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दूसरा, जो भी कॉमन रस्ट के जो वायरस है, जो फंगस है, वो रूट्स में जाकर के अटैक जाए नहीं और आपके प्लांट को बचा के रखें, मैंने रूट से जब ऊपर आएंगे तो वो भी आपके लीव्स में नहीं आए, तो उसमें आपने कवर करके रखना है। कवर करने के लिए आप ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते आसपास आपको मिल जाएंगे। और अभी दूसरा ये है कि कार्डबोर्ड, अगर आपके पास पुराना कोई कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड के क्लिपर्स बना के छोटे छोटे कर्तन बना लीजिए, और उससे भी आपने पॉट्स हैं या आपके पास में कोई छोटा सा अगर वो उसमें बना बास्केट में आपने रखा हुआ है तो उसके टॉप लेयर को कवर कर दीजिए। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट रूट्स में पड़ रही है उसमें प्रोटेक्शन का काम करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि जो भी फंगस डिजीज है वो मिनिमम हो जाएंगे। ये भी आपको रेगुलर बेसिस पे आपने ये भी देखना है कि वो जब जो आपने मल्चिंग के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया है उसमें भी कोई इंसेक्ट ना आ जाए, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। बीच बीच में उसको उलट पुलट के भी देखते रहना है जिससे कि आपके पॉट्स में कोई इसी प्रकार का इंसेक्ट और नहीं आ जाए। एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पत्तों में एक तो ब्राउन कलर का स्पॉट हो रहे थे, एक ऑरेंज कलर का स्पॉट होते, ये ब्लैक कलर का स्पॉट है। ये जो स्पॉट है बेसिकली लीफ स्पॉट कहलाते हैं, ये भी एक प्रकार का फंगस है। फंगस की वजह से पत्तों में ये काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, और इस धब्बे के पड़ने की वजह से प्रॉब्लम एक ही प्रकार की है कि जो लीफ से फोटोसिंथेसिस होना है उसकी जो प्रक्रिया है उस पर एक हिंड्रेंस, एक प्रकार ऑब्स्टिकल लग जाता है। तो इससे भी आपके प्लांट में जो उसकी हेल्थ है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो स्लो हो जाती है, प्लांट बड़ा डल हो जाता है, और उसमें आपकी जो रिजल्ट आने हैं, जो उसके यील्ड आनी है, वो खत्म हो जाती है। तो इसका तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जो घर पे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा है, वो आपको हाफ टी स्पून पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके इसका अगर आप वो स्प्रेयर बनाते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसका सोल्यूशन ऐसा है कि आप खाने वाला तेल हाफ टी स्पून लेना है और बेकिंग सोडा आपको 1 टीस्पून लेना है। इसको 3 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला करके आप इसका स्प्रे बना सकते, स्प्रेयर बना सकते हैं। और जैसे ही आपको प्लांट में लीफ्स में ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है, ये इस तरह का स्पॉट दिखेगा, तो ऐसे में आप उसको प्रॉपरली इसका स्प्रे कर दीजिएगा। और ये जो मिक्सचर आपने बनाया हुआ है ये 30 डेज तक आपका काम करता है। 30 डेज तक इसको आप रख सकते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ 30 डेज की है। अगर आपने इसको छाया वाली जगह में रखा है, धूप से बचा के रखा है और डार्क जगह में रखा है, तो 30 डेज तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्लांट्स में ये ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे में आपके किचन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्सेस का एक छोटा सा ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेमन पाउडर जो है, सिनेमन पाउडर बहुत ही इफेक्टिव है आपका फंगल डिजीज को रोकने के लिए। अगर आप कहीं पर भी काटते हैं, कटिंग करते हैं, या आप किसी प्लांट को ट्रिमिंग करते हैं, तो उसके जहां पर भी कट हो जाती है
उस कट को, खासकर अडेनियम है, अडेनियम की कटिंग अगर आप करते हो तो अडेनियम में बहुत जल्दी फंगस अटैक आता है, या आपने गुलाब है, गुलाब की कटिंग कर दी तो वहां से भी फंगस अंदर चला जाता है, या कोई भी प्लांट है जो कि सेंसिटिव है बहुत ज्यादा फंगस से, तो उस प्लांट की अगर आपने कटिंग की है ट्रिमिंग करने के लिए, उसको ट्रिम डाउन करने के लिए, तो जिस जगह को कट किया हुआ उसमें अगर आप सिनेमन पाउडर का पाउडर को डस्ट कर देते हो, पाउडर को वहां डाल देते हो, तो फंगस डिजीज नहीं आता है। दूसरा है गार्लिक। गार्लिक हर किसी के किचन में मौजूद है, बहुत सारे लोग गार्लिक रेगुलर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने घर पे रखते हैं, तो गार्लिक को भी क्रश करके आप उसका पानी बना सकते हैं, लिक्विड वाटर बना सकते हैं, या गार्लिक को क्रश करके उसको पानी में उबाल सकते हैं, उबाल दीजिए, बॉइल कर दीजिए, मैंने 1 लीटर पानी को 1/4 होने तक बॉइल करिए और उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के किसी बॉटल में रख लीजिए, और जब भी आपको ये इंसेक्ट दिखते हैं तो वो उसके ऊपर में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपको 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रेयर बन जाएगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आप बनाना का और ऑरेंज के जो लीफ पील्स है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए, ये भी एक तरह से रिपेलेंट का काम करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, एंट हैं, उनके लिए रिपेलेंट का काम करते हैं, तो उसको भी आप स्प्रे मतलब डस्टिंग करके काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत सारे इसके ऑरेंज के पील है उसको ड्राई कर लिया, ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में ले आइए, मिक्सी में पीस लीजिए, और जब भी आपको ये इंसेक्ट दिखते हैं तो उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए, तो आपका वो जो उसकी फ्रेग्रेंस है उसकी वजह से ये सारे वहां से वाइप अप हो जाएंगे। एक है दूध। दूध हर किसी के किचन में होता है और दूध बहुत अच्छा मिल्ड्यू जो फंगस डिजीज है उसके कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव रोल है इसका, तो आप मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एप्पल सिडार भी, क्योंकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ अस हैव द एप्पल सिडार, अगर हमारे पास एप्पल सिडार है तो ये भी 5 drops per liter के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है किसी भी इंसेक्ट के ऊपर में। जो हॉट पेपर और जिंजर का मैंने आपको गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट का बताया था, ये भी हर किसी के किचन में मिलता है, उसका भी आप फंगस ये बहुत सारे इंसेक्ट के कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आप ध्यान देना है कि अगर आपके पास सकिंग पेस्ट है तो गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट से काम चल जाएगा, अगर कटिंग पेस्ट है तो गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट में आपने लिक्विड सोप भी ऐड कर देना है। अगर आपके पास लिक्विड सोप नहीं है तो आप फर्मेंटेड बटर मिल्क भी इसमें मिक्स कर सकते हैं 1 teaspoon, या फिर अगर आपके पास में फर्मेंटेड बटर मिल्क उस समय नहीं है तो आपके पास में कोई भी विनीगर, घर पे जो विनीगर रखा हुआ है उस विनीगर को भी आप 5 drops per liter के हिसाब से डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा मैंने आपसे पहले ही कहा, ये भी एक बहुत अच्छा फंगस कंट्रोल करने के लिए, फंगल कंट्रोल करने के लिए है, तो इसको भी आप 5 gram per liter मैक्सिमम, 5 gram से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 to 3 gram में भी ये इफेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5 gram per liter, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में टेबल सॉल्ट होता है तो जितने भी स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, उनके कंट्रोल करने के लिए टेबल सॉल्ट बहुत इफेक्टिव है, टेबल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बियर अगर घरों में पड़ा हुआ है तो बियर से भी आप अपने इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं जिनसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब फाइनली कुछ स्लाइड्स ऐसे हैं जो स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस स्लाइड्स में कुछ इंसेक्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे बीज है, लेडी बग्स है, स्पाइडर है ना, ये जो आपके इंसेक्ट है वो आपके नॉन वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है और इसका अगर आपके आसपास है तो इसके आपके वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स है, आपके क्रॉप है, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे ये, बल्कि आपके जो नॉन वेजिटेरियन वहां पर चीज आइटम है उनको ही ये खाएंगे। फॉर एग्जांपल जो टमाटर हॉर्न बॉम है, ये सब ये वेजिटेरियन है, अगर ये वेजिटेरियन इंसेक्ट है, माइट्स हो गया, कट बॉम हो गया, स्लग्स एंड स्नेल्स हो गए, कैबेज मॉथ हो गया, या फिर टमाटो हॉर्न बॉम हो गया, ये जो इंसेक्ट है ये आपके गार्डन को डैमेज करेंगे, लेकिन बीज कभी डैमेज नहीं करेगी, लेडी बग्स कभी डैमेज नहीं करेगा, स्पाइडर कभी डैमेज नहीं करेगा, ग्रीन लेसबग कभी विंग्स कभी डैमेज नहीं करेगा। तो आपके गार्डन में अगर ये सारे इंसेक्ट है तो वो आपस में जो जो वेजिटेरियन है उनको खाने के लिए नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट की इंपॉर्टेंस है और वो अपने वेजिटेरियन इंसेक्ट को खा लेंगे तो आपके गार्डन को सेफ रखेंगे। ये कुछ और मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं जो कि आपके गार्डन में आसपास है, वास्प है,
ये जो प्रीडेटर्स है, कैटरपिलर्स है, इनमें इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जो वेजिटेरियन है, जो भी इंसेक्ट वेजिटेरियन है, उनको ये अटैक करते हैं और उनको खाते हैं, वो उनका फूड है। तो वो फूड आपके गार्डन में अगर वेजिटेरियन है तो उसको खाने के लिए नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जो भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो उसमें नॉन वेज इंसेक्ट का को डैमेज ना हो पाए, सो दैट आपके वेजिटेरियन जो इंसेक्ट है वो आपके उसकी ईटीएल लेवल जो है मिनिमम रहे और उनको जो इको साइकिल है वो मेंटेन रहे आपके गार्डन में। इस तरह से कुछ इंसेक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि वो कैसे, ये तो लीफ में माइंस बना देती है, तो वो देखिए किस तरह का, ये जो बग्स हैं आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इस तरह की फ्लाइज है, बीटल फ्लाई है, और ये जो मौत है इसकी वजह से ये आपके माइंस की प्रॉब्लम आती है। एक जो लीफ फोल्ड हो जाता है, ये कैटरपिलर ये उसके ऊपर एग देने के लिए उसको फोल्ड कर देते हैं, तो जैसे ही आपको पत्ता फोल्ड हुआ नजर आता है आप इसको रिमूव कर दीजिए अपने गार्डन से और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और बहुत सारे पत्ते जो साइड से कट होकर के वो रोल हो गए होते हैं, ऐसे पत्ते को भी आप इमीडिएटली अगर आपके नोटिस में आता है तो उसको गार्डन से रिमूव कर दीजिए, सो दैट ये मैच्योर होकर के आपके प्लांट में कटिंग पेस्ट बन करके खाना शुरू न कर दे। और इसमें कुछ प्लांट्स हैं जो कि आपके रिपेलेंट का काम करते हैं, जैसे मैरीगोल्ड है, नस्ट्रेशियम है, पिटूनिया है, बीटल बेजल्स है, अगर ये कुछ प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो उससे आपके बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो रिपेलेंट का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास में बहुत सारे बग्स नहीं आते हैं। तो सबसे अच्छा जो है नस्ट्रेशियम है, नस्ट्रेशियम का जो बैरियर है, बाउंड्री है, अगर आपने कहीं पर भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल लगा रखा है और उसके चारों तरफ से पिटूनिया और नस्ट्रेशियम का फ्लावर्स लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वो क्या करेगा आपका लीफी वेजिटेबल को डैमेज नहीं करेगा। बेजल्स को भी आप लगा सकते हैं, बेजल से भी आपका बैरियर हो जाता है, बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो आपके प्लांट के, आपके जो गार्डन है उसमें नहीं आते हैं। तो ये इसके अलावा कुछ और भी है, थाइम भी है, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें एरोमा बहुत ज्यादा होती है, वो एरोमा प्लांट्स अगर आप लगाते हैं अपने गार्डन में तो उससे इंसेक्ट जो है आपके गार्डन में नहीं आते हैं। इस तरह से मैंने आज जो डिस्कस किया वो इंसेक्ट पेस्ट के बारे में कैसे आप पहचानोगे, कैसा उसका ट्रीटमेंट है, साथ साथ में अप्रैल का महीना है, अप्रैल मई जून 15 जून तक आपने जो प्रिवेंशन लेने हैं और उसके कुछ रूल्स हैं कि आपने कैसे अपने प्लांट्स को मैक्सिमम आउटपुट लेना है और मिनिमम डैमेज करना है, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन, आपने अपने गार्डन में वाटरिंग मॉर्निंग आवर्स में नहीं करना है, सुबह आपने पानी नहीं डालना है, अगर आपको पानी डालना भी है तो केवल रूट्स में डालेंगे और रूट जोन में डालने के बाद उसका जो है टॉप में मल्चिंग करके रखेंगे, सो दैट मल्च करने से क्या होगा जो हीट आती है, अगर आपने देखा होगा रूफ टॉप में कॉन्क्रीट की जगह में आपने कोई पॉट रखा हुआ है और वहां पर अगर आपने इरिगेट किया, पानी डाला है मॉर्निंग आवर्स में और दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जो हाई टेम्परेचर होता है और अगर पानी कहीं स्टेग्नेंट हो गया है तो वो आपके रूट को डैमेज करेगा और प्लांट को मार देगा, पहला बात। दूसरी बात, आपने अप्रैल के महीने में हर एक पॉट्स को देखना है, थॉरोली चेक करना है कि उसके बेस में जो ड्रेन होल है, नॉर्मली विंटर के बाद में हर एक प्लांट्स की एक टेंडेंसी होती है कि उसका रूट जो है वो बेसिकली मतलब जड़ नीचे की तरफ जाता है, सॉइल में जाता है, तो सॉइल खोजने के लिए वो जहां पर भी उसको होल निकलता है वो होल से उसके रूट्स को बाहर फेंकता है और वो नीचे जमीन में जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि जो ड्रेन होल्स है वो ओपन रहे, वो चोक नहीं होगा, अगर चोक होगा तो पानी जो भी आप पॉट में डालेंगे वो स्टेग्नेंट हो जाएगा। स्टेग्नेंट होने के बाद में आप महसूस करिए कि एक घड़े में पानी आपने छत में रखा है और 2 बजे जाकर के उसमें अगर हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ओवरहेड टैंक्स रखे हुए हैं, टैंक्स का पानी बॉइलिंग हो जाता है, इवनिंग में भी अगर आप पानी नल खोलते हो आप किचन में तो हाथ जलता है, इतनी गर्मी होती है। तो आप सोचिए पॉट के अंदर में जो पानी स्टेग्नेंट हो गया वो इतनी टेम्परेचर में बॉइल हो जाता है और उसके रूट्स को पूरा बॉइल कर देता है। तो आपने सेकंड जो पॉइंट है, आपने ड्रेन होल को चेक करना है, अगर प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, पानी अगर नहीं निकल के जा रहा है, पानी डालिए गमले में, 5 मिनट वेट करिए, अगर उसमें पानी स्टेग्नेंट है तो जस्ट रिमूव द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द मेन होल, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपने अपने जितने भी पॉट्स आपने बना रखे हैं घर के आसपास रखे हुए हैं सब में आपने पेपर मल्च करिए,
चाहे पेपर क्लिप्स का बनाइए, चाहे आपके पास में ड्राई रूट वो है लीव्स है उनकी मल्चिंग करिए। अगर आपके पास में ड्राई लीव्स भी नहीं है, पेपर क्लिप्स भी नहीं है, कार्डबोर्ड को काट के छोटे छोटे पीसेस बनाइए, उसके क्लिप्स बनाइए, उसकी मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग इज मस्ट बिकॉज जो आपके गार्डन जो भी आपने पॉट रखा हुआ है उस पॉट में पानी को रिटेन करना भी, मॉइस्चर रिटेन भी करना है, और आपको उसमें सनलाइट का हीट को भी नहीं बहुत ज्यादा जाना है, तो एक तरह से ऑब्स्टिकल बना के रखना है जो डायरेक्ट हीट नहीं जाए, तो वो कवरिंग करिएगा। तीसरी आपकी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका रूफटॉप में लगा हुआ है तो 40% एटलीस्ट शेड बनाइए, 40% उसको शेड कर दीजिए, शेड नेट ले लीजिए, ग्रीन नेट ले लीजिए, 40% की उसमें कवरिंग लाइट जो है वो रुक जानी चाहिए, 60% चलते रहनी चाहिए अप टू जून 15 जून के बाद में 50% आप इंक्रीज कर सकते हैं उसमें जो आपका डायरेक्ट सनलाइट है वो आप मिनिमम कर सकते हैं। उसके चौथी जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट रेगुलरली इस जब तक अप्रैल का फर्स्ट लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक नहीं हो जाए तब तक आपने अपने गार्डन के आसपास में रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। नंबर छह, आपने अगर साइकस का प्लांट लगा रखा है तो साइकस के प्लांट को किसी भी नेट से, चुन्नी अगर पुरानी वाली चुन्नी है या नेट अगर आपके पास में है जो कि बहुत छोटे उसमें जैसे मॉस्किटो नेट होता है, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, ऐसे नेट से उस प्लांट को कवर करके रखिए सो दैट मॉथ आपके साइकस में जाकर के एग ले नहीं करे। सो अभी जैसे ही मई का फर्स्ट वीक आएगा साइकस पे जैसे ही नए शूट्स आएंगे तो वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो ये पांच चीजों का आप ध्यान में रखिए, मुझे लगता है कि इन पांच चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो जायद की क्रॉप है वो बच भी जाएगी, समर की क्रॉप जो आप लोग ले रहे हो उसमें भी इंसेक्ट जो है वो मिनिमम जाएंगे क्योंकि आपने उसको बैरियर का एक दे दिया और बैरियर की वजह से आपका जून के बाद में जो भी क्रॉप लगेगी क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी टेम्परेचर में तो बहुत सारा इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर जाकर के ये अगस्त के महीने में आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करेगी, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक अगेन वो साइकिल रिपीट करिएगा क्योंकि इसी समय में आपके प्लांट्स में जैसे ही मानसून की पहली रेन बरसात गिरती है पहली बारिश के बाद आपके अमरूद गुआवा के प्लांट को आप बचाना बहुत जरूरी है। जो अमरूद के प्लांट में कीड़े इंसेक्ट आपको अंदर मिलते हैं उसका भी समय यही है 15 मैंने जो मानसून सीजन स्टार्ट होता है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपने आसपास जितने भी आपके फूटिंग प्लांट हैं उनके रूट्स में आपको कवर करना है किसी पॉलीथिन से और उसमें ग्रीसिंग कर देनी है सो दैट क्राउलिंग इंसेक्ट क्राउल करके प्लांट के ऊपर नहीं चले जाए और जब उसके फ्लावरिंग होती है उसको प्रिक करके अगले करता है वो बंद हो जाए। तो ये सारे चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी गार्डनिंग गार्डन का रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन रह गया, बाकी तो आपने सारे आंसर कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। अब ये था जो आपने पंचपर्णी बताई थी उसके वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे स्प्रे कर सकते हैं फिर, और अगर कर सकते हैं तो उनको कितने दिनों बाद कंज्यूम करना चाहिए, और ये सब चीजें अगर किसी से नहीं हो पाए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आप कोई रेकमेंड कर सकते हैं जो इन फसलों को बचा सकता है और साथ में वो साथ में उसको हेल्प भी कर देता हो, मतलब लीव्स वगैरह भी बेटर हो जाए साथ में। जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा लास्ट में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पंचपर्णी और दसपर्णी, पंचपर्णी का मतलब होता है पांच पत्तों का रस और दसपर्णी का मतलब होता है दस पत्तों का रस। बेसिकली जो नेचुरल फार्मिंग जिसको आप नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है हमारे देश में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक्चुअली बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। ये जो मॉडल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज उसके अंदर में टर्म्स एंड कंडीशन इतने स्ट्रिंजेंट है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पॉइंट वाइज यू नो मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टिफिकेशन। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग हम लोग करते हैं, जो लोग हम किचन गार्डनर्स हैं, वी आर डूइंग नेचुरल फार्मिंग, और नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि नेचर ने हमको कुछ ऐसे आसपास में अगर हम अपने एनवायरमेंट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लांट हमें नजर आते हैं, जो प्लांट जो है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम कहें तो पॉइजन जिसको हम कह सकते हैं, वो पॉइजन उनके पत्तों में होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं करता है। हमें एक चीज बचपन में बताई गई थी, मैं आज से 50 साल पहले अपना एक बचपन बताता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मैं घूम रहा था
तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये धतूरा बड़ा बड़ा खूबसूरत सा फल लगा कि धतूरा? मैंने कहा ये धतूरा बड़ा खूबसूरत है तो खाना चाहिए। तो मेरे दादाजी ने कहा कि नहीं नहीं इसको नहीं खाते, ये जहर है। तो मैंने कहा जहर क्या होता है? कहता इसमें साइनाइड होता है, साइनाइड जो है आदमी को जहर मतलब वो जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा जाएगा तो आदमी मर जाएगा, वॉमिट करके वो मर जाएगा। दूसरा फिर मैं कस्टर्ड एप्पल कुछ बाग आए गया है, कस्टर्ड एप्पल का पौधा मिला, तो हमारे दादाजी ने कहा ये जानते हो ये भी एक पॉइजनस प्लांट है। मैंने कहा अरे दादाजी इसकी तो फल हम खाते हैं, कस्टर्ड एप्पल तो बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन की बात है और मुझे लगता था कि कस्टर्ड एप्पल से स्वीटेस्ट कोई फ्रूट ही नहीं है, मुझे इतना मजा आता था उसको खाने में। पर हमारे दादाजी ने बताया कि नहीं बच्चे ये जो कस्टर्ड एप्पल है इसके लीव्स देखो पत्ते कहीं पर भी कोई कीड़े नहीं लगे हैं। और मजेदार बात उन्होंने बताया कि इसकी जो बीज है ना वो बीज में साइनाइड होता है। तो फिर मैंने उससे पूछा अच्छा ऐसे कौन कौन से फल हैं जिसके बीजों में साइनाइड होता है? देखिए ये सब पुराने बुजुर्ग लोग जो है वो परंपरा से मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं मिला होगा, ट्रांसफर हुआ होगा और नॉलेज जो है डॉक्यूमेंट नहीं हुआ पर वो ट्रांसफर हुआ। उस नॉलेज को जो मैंने सुना उन्होंने बताया कि देखिए एप्पल है, एप्पल खाते हैं उसका सीड उसके अंदर होता है और अगर हम एप्पल के 20 सीड को चबा के खा लें तो शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी। नॉर्मली जो एप्पल का सीड है उसको हम लोग जब भी घर में काटते हैं तो एप्पल का सीड को निकाल करके बाकी चीज खाते हैं और अगर हम खाते हैं तो देखिए हमारा नेचर कैसा बना है कि वो चबाते नहीं है, वो सीधे स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग स्वेल करके वो नीचे फिर एक्सिटा में बाहर आ जाता है। लेकिन वही सीड्स को अगर हम इकट्ठा करके क्रश करके उसको हम अगर पानी में सोक करके रखते हैं तो इंसेक्टिसाइड बन जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जितने भी कटिंग जो लीफ को काटने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 20 सीड्स कस्टर्ड एप्पल को क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, कूटने के बाद किसी बर्तन में उसको ओवरनाइट सोक कर लीजिए, फिर अगले दिन उसको छान करके उसका स्प्रे करिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आपको कटिंग पेस्ट से रिजल्ट मिल जाता है। और आज तक मैंने देखा कि उससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने बताया कि 5 पत्तों का रस, वो ये कहते थे देखो बोगनवेलिया है, वो कहते बोगनवेलिया में देखिए कहीं कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है। मैंने पूछा क्यों नहीं लगा हुआ है? वो कहते देखो बोगनवेलिया में कांटे भी लगे हैं, इसमें कांटे भी हैं और पत्ते बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत फूल आता है। तो जब इसकी खूबसूरती देख करके जानवर जब मरुभूमि में घूम रहा है तो सबसे हरा भरा चीज देखे अटैक तो उसको खाएगा, लेकिन नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कांटे लगा दिए और उसके पत्ते में साइनाइड डाल दिया। तो उसी प्रकार से कनेर भी है, कनेर में भी साइनाइड होता है, भांग के पत्ते में भी पॉइजन होता है। तो आपने कनेर के पत्ते, उसके बाद कस्टर्ड एप्पल का लीव्स, या आपने नीम के पत्ते, या आपके पास में अगर आंख के पत्ते हैं, धतूरा का पत्ता है, इस तरह से कोई भी 5 पत्ते जो उन्होंने ये भी कहा था कि शिवजी के मंदिर में जो फूल पत्र चढ़ते हैं उन फूल पत्रों से ही आपके इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में केवल शिवालय एक्सपोज कंडीशन में है, बाकी सब में साड़ी, देखो देवी का मंदिर है देवी ने कपड़े पहन रखे हैं, साड़ी पहन रखे हैं, तो देखिए कार्तिक का मंदिर गए तो देखिए ये भी कपड़े पहने हुए हैं, तो जितने मंदिर में ले गए तो सबने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब शिवजी के मंदिर में गए तो वहां पर देखा कि एक लिंग है और वो बिल्कुल एक्सपोज कंडीशन में है। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे ये है बिल्कुल मतलब ये नेचर है, नेचर में प्रोटेक्ट, उसमें कीड़े जाएंगे तो कीड़े जाने से इरिटेट होगा, भगवान को इरिटेशन होगी कीड़ा आ गया, इसलिए हम वो पत्ते उसमें नहीं चढ़ाते, वो फूल नहीं चढ़ाते जिनमें कीड़े होते हैं, तो हम वही फूल पत्ते चढ़ाते हैं जिसमें कीड़े नहीं होते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने दी और मैंने उसी नॉलेज से आज तक जब भी किसान परेशान होता है तो मैं सिर्फ वही पत्ते को निकाल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ जिसको पंचपर्णी बोलते हैं और उसके बाद में उसको हम स्प्रे करते हैं 1:10 के रेशियो में तो एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। तो आप बोगनवेलिया के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल का पत्ता यूज कर सकते हैं, नीम का पत्ता यूज कर सकते हैं, कनेर का पत्ता यूज कर सकते हैं, आंख और धतूरा तो है ही है। तो इनमें से कोई भी 5 पत्ते एक एक मुट्ठी आपको ले लेना है, 5 लीटर पानी यानी 5 मुट्ठी पत्ते को 5 लीटर पानी में 5 दिन के लिए पंचपर्णी बनानी है, 5 पत्ते 5 मुट्ठी 5 लीटर पानी में 5 दिन के लिए सोख करके रखना है। इसको हर दिन 5 बार घुमाना है किसी लकड़ी की सहायता से, 5वें दिन इसको छान करके किसी बर्तन में रख लीजिए। अब इसमें फायदे क्या होंगे? 2 फायदे होंगे, हर एक पत्ते में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन रिलीज होकर के पानी में मिल गया, एक तो वो इंसेक्टिसाइड बन गया कीड़ों को मारा, दूसरा उसका जो नाइट्रोजन है वो लीच आउट करके रूट जोन में जाएगा, प्लांट को मिलेगा, प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो ये पंचपर्णी बहुत ही आपके लिए मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ सबसे इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम कर सकता है।
जिन किसी के पास में गाय है, गौवंश है, उनमें अगर दूध देती हुई गाय जिसकी बछिया है, उस बछिया जिसकी फीमेल काफ है, ऐसी गाय के गौमूत्र को जिस समय सुबह के समय गाय के दूध निकाला जाता है, बच्ची दूध पी रही होती है, उस समय जो भी गाय यूरिन पास करती है, यू कलेक्ट दैट, वो गोल्ड है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फार्मिंग में इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस समय गाय की बछिया दूध पीती है, उनके शरीर से एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। वो एस्ट्रोजन को हार्मोन है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होता है। गाय को पता है कि मेरी बच्ची को आगे जाके माँ बनना है, तो ममता जो है माँ उससे एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, बात्सल्य जिसको बोलते हैं, बात्सल्य से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन गाय के मूत्र में इकट्ठा हो गया, आपने उसको खा के रख लीजिए, 10 दिन के बाद में उसको इस्तेमाल करिए, टन पर लीटर के हिसाब से एक्सलेंट रिजल्ट है, पेस्टिसाइड भी एक्सलेंट है वो। ये तो हो गया पंचपंड। डॉक्टर साहब, ये तो आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे दी, अब सर के ऊपर से निकलनी शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच। विवेक, कैन यू शेयर द सर्टिफिकेट सर? Yeah, I'll share the certificate, but we can take the picture. Dr. Pant, अगर आप ये अपना कैमरा की तरफ देख लें, हाँ, शेयरिंग बंद कर दें, स्क्रीन शेयरिंग। We'll take a picture and then. Please, sir. So thank you very much for from the society for taking this. Or any questions, whether we'll get back to you. जी, definitely. जी, thank you so much once again. Thank you very much. Here is your certificate, sir. Beautiful time ahead. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Bye bye. Oh, great. This is Dr. P.K. Pant, not Mr. P.K. Pant. Oh, we'll correct it, sir. We'll send you a corrected one. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, bye, bye. Thank you, bye, take care. Thank you, Vivek. Bye. Thank you for hosting this session. Thank you.